Chuchu, mami, mami, mami. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूं आप सब लोगों का न्यूज़ बॉय के चैनल। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि क्या आपको ये ठीक लगता है कि अपनी बेटियों को अपनी नजरों से दूर दूसरे शहर में पढ़ने भेजना क्या ये मुनासिब है? क्या हमें अपनी बहनों और अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेजना ठीक लगता है? तो मैं आपको बोल दूं कि एक वीडियो के लिए वायरल है सोशल मीडिया पे, जहां पे हमारी एक बहन रो रही है। मसला यह है कि जो कि यूनिवर्सिटी, जो कि कॉलेज पंजाब में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बाबा फरीद कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि पंजाब में है, वहां पे कश्मीर के स्टूडेंट्स को पेनल्टी के लिए वो लोग मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोला जा रहा है कि आप लोग उन्हें जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी आप लोग उन्हें वो मिस किए, इसीलिए आपसे जुर्माना जरूरी लेना है हमें। तो मैं आपको बोल दूं कि जुर्माने की रकम वो 1 या 2 हज़ार नहीं बोल रहे हैं, बल्कि 40,000 to 75,000 वो उनसे मांग रहे हैं। तो हमारी बहन की एक वीडियो के लिए वायरल है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो रो रही है और वहां पे बोल रही है कि मुझे घर जाना है। आप लोग ये वीडियो के लिए देख लीजिए। और मैं आपको बोल दूं कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब मुनासिब हो रहा है अपनी बेटियों को अपनी नज़रों से दूर, क्योंकि अगर लड़का होता है तो लड़के की बात अलग होती है, लड़कियों की बात अलग होती है। लड़कियां ज़्यादा टेकल नहीं कर पाती है जो वहां पे मुश्किल आते हैं, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूं कि हमें चाहिए अपनी बेटियों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि अगर आप भी देखोगे कि कश्मीर में, अगर हम बात करें कश्मीर की, यहां पे अगर 2 दिनों में यहां पे 1 दिन इंटरनेट बंद होता है, शायद वो भी इनकी मजबूरी रही होगी कि इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं की होगी। कश्मीर में आप लोगों को पता है कि इंटरनेट शटडाउन भी होता है, तो इसलिए इन्होंने क्लासेस नहीं दी होगी। सो इस रिगार्डिंग आपकी क्या व्यूज है वो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। बाकी आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। My me.